नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज क्या है, आज 23 अगस्त और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा यह टारगेट है कि आपकी जो भी परीक्षा होगी, ना सिर्फ आरओ एआरओ यूपीपीसीएस बल्कि जो भी आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होंगे या फिर जो भी आपके वनडे एग्जाम होंगे, उन सभी एग्जाम्स में आपको 100% प्रश्नों को क्या करना है, सही करना है करंट अफेयर्स के। और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि लगातार आप करंट अफेयर्स देखें। डेली सुबह 8 बजे मेरे साथ आप जो है करंट अफेयर्स देखना ना भूलिएगा। चलिए बिना देरी के हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लोग फटाफट क्या करते हैं, लास्ट जीबी का रिवीजन करते हैं। लास्ट जीबी के रिवीजन के अंतर्गत पहला प्रश्न क्या था हमारा कि हाल ही में महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश देने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है, वो बन गया उड़ीसा। और प्रथम दो राज्य कौन से हैं जिन्होंने मासिक धर्म अवकाश दिया था, वो आप लोग बताइएगा या अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। और विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को, याद रखिएगा। इसके अलावा मंकी पॉक्स से सबसे ज्यादा प्रभावित जो महाद्वीप है कौन सा है, वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। उसके बारे में हमने कल कुछ एक पॉइंट बताए थे आपको। इसके अलावा 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के अंतर्गत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, तो वो है ऋषभ शेट्टी। और खुरपका यो मुहपका जो रोग है उसको समाप्त करने का जो भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो कब तक का है, 2030 का है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा हालिया अध्ययन के अनुसार किस ग्रह पर तरल अवस्था में जल के प्राप्त होने की सूचना मिली है, वो कौन सा ग्रह है, वो है आपका मंगल ग्रह। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की गई है, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम आते हैं कल के प्रश्न के उत्तर पे। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि कमेंट की जो संख्या आपकी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। छोटा सा आपको उत्तर देना होता है, छोटा सा आपको एक बार बटन को प्रेस करना होता है लाइक को, इतना सा काम है। उम्मीद करता हूं कि आप लाइक्स ज्यादा से ज्यादा आज करेंगे। तो लास्ट डे हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताइए विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, WTO भी बोलते हैं, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय कहां पर है, तो उसका मुख्यालय है जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। और यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अब हम आते हैं 23 अगस्त के करंट अफेयर्स पर। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है हमारा कि बताइए हाल ही में निम्नलिखित में से किसे आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो कौन से व्यक्ति हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, डी, यानी कि धीरज मोहन बनर्जी को दरअसल इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया है, जो भारत देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा उनको यह पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है उनको यह पुरस्कार, बेसिकली भारत के प्री कैम्ब्रियन तलछटी चट्टानों के फास्फोराइट्स आइसोटोप भू विज्ञान और कार्बनिक भू रसायन विज्ञान पर कार्य, उस पर जो है कार्य के लिए जो है उन्होंने मतलब उस पर क्या क्या उन्होंने वर्क किया है, और इसी के लिए उनको दरअसल इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्होंने सम्मानित किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है राष्ट्रपति भवन में, ठीक, याद रखिएगा। चलिए इसके अलावा शिवलुच ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है, अभी यह चर्चाओं में रहा है क्योंकि इसमें क्या हुआ है, उद्गार हुआ है, और क्यों उद्गार हुआ है हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताना है कि दरअसल शिवलुच जो ज्वालामुखी है उसकी आवस्थिति कहां पर है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, रूस, यानी कि बी इज द राइट आंसर, यानी कि यह भी रूस के पूर्वी भाग पर अवस्थित है। और जो है क्या कुछ पॉइंट्स इसमें है, आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो शिवलिच ज्वालामुखी का संबंध रूस से है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहां पर अभी क्या हुआ है, शिवलिच ज्वालामुखी में क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी रूस के क्या है, पूर्वी तट पर क्या है, अवस्थित है, याद रखिएगा। और इस घटना से क्या हुआ है कि जो कुरील द्वीप है वहां पर जो स्थित एक एबोको जो ज्वालामुखी है उसमें भी क्या हुआ है, विस्फोट हुआ, मतलब होने की जो शंका व्यक्त की गई है। लेकिन यह हुआ क्यों है, हुआ इसलिए है क्योंकि जो कामचटका द्वीप है रूस के पास, उस कामचटका द्वीप के तट पर
7.0 मैग्नीट्यूड का क्या है भूकंप आने के कारण इसमें क्या हुआ है विस्फोट जो है हुआ है। तो भूकंप आया और भूकंप के कारण क्या हुआ ज्वालामुखी की प्रक्रिया हुई। देखो एक बात ध्यान रखना कि भूकंप से भी ज्वालामुखी आते हैं और ज्वालामुखी से भी क्या होते हैं यानी कि भूकंप होगा आएगा तो ज्वालामुखी प्रक्रिया हो सकती है और ज्वालामुखी की प्रक्रिया से भूकंप आ सकता है। दोनों एक दूसरे पर क्या है आश्रित होते हैं ध्यान रखिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कामचटका जो प्रायद्वीप है वो भूकंपीय सक्रिय रूप से क्षेत्र पर स्थित है यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है जो प्रशांत महासागर के अधिकांश भाग को घेरे हुए हैं। इस क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। आपको रिंग ऑफ फायर के बारे में पता होगा यानी कि वहां पर जो विश्व के सबसे ज्यादा जो भूकंप होते हैं वो वहीं पर आते हैं और उसकी वजह से क्या होते हैं वहां पर जो ज्वालामुखी होते हैं वो क्या होते हैं सक्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी के बारे में ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कि जो ज्वालामुखी होते हैं ज्वालामुखी में जब उद्गार होता है तो क्या होता है मैग्मा निकलता है लावा निकलता है। मैग्मा क्या होता है मैग्मा बेसिकली क्या होता है जो आपका स्थेनोस्फीयर है जो आपका ध्रुवता मंडल है उसमें बेसिकली क्या होता है मैग्मा की उपस्थिति होती है और वही जो है बाद में जो चट्टान होते हैं उनका जो एक तरीके से जो चट्टानी जो रूप होता है वो क्या होता है तरल रूप में होता है गर्म होते हैं उसी को मैग्मा कहा जाता है। और वही मैग्मा जब नीचे से ऊपर आता है तो जब वो मैग्मा ऊपर आता है तो उसी को हम लोग लावा बोलते हैं। तो लावा और मैग्मा में कोई खास डिफरेंस नहीं है। जब ये नीचे रहेगा तरल पदार्थ चट्टानों का तो उसे हम मैग्मा बोलेंगे। यही मैग्मा जो ऊपर आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे लावा बोलेंगे। और जब इसका बिखराव जमीन पर होता है तो क्या होता है तो फिर इससे जो है कई प्रकार की भूआकृतिक आकृतियां भी बनती हैं कुछ उपजाऊ मिट्टियां भी बन जाती हैं यानी कि उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है। लेकिन साथ ही साथ में इसका नुकसान भी होता है व्यापक स्तर पर इससे जो है जहरीली गैसें निकलती हैं जो कि वायु प्रदूषण करती हैं। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज होता है यानी कि मौसम परिवर्तन में भी इन हानिकारक गैसों का जो है योगदान हो जाता है। तो ज्वालामुखी का फायदा भी है ज्वालामुखी का नुकसान भी है और आपके मुख्य परीक्षा में ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न जो है पूछा जाता है भाई साहब तो याद रख लीजिएगा आप लोग। और ऐसे में भी ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न आपके पूछ सकता है ठीक। तो ज्वालामुखी को आप लोग क्या करिएगा रेडी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आदर्श सौर ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है तो ये मंत्रालय दरअसल है वो है आपका नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो आदर्श सौर ग्राम योजना का संबंध नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से है। इसके अलावा सरकार ने क्या किया था सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आदर्श सौर ग्राम योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश क्या किए हैं जारी किए हैं और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इस योजना के अंतर्गत देश भर में प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम जो ग्राम है उसका बनाने का क्या किया गया है लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा अगर बात आप पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की करते हैं तो इसमें क्या है केंद्र सरकार जो है 300 बिजली की यूनिट जो है क्या करेगी फ्री देगी अगर आप अपने घर पे सोलर प्लांट लगाते हैं और उसमें जो है सरकार आपको क्या देती है सब्सिडी देती है। इसके अलावा इसके लिए यानी कि जो ग्राम की बात की जा रही है उसके लिए कुल 800 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं आवंटित किए गए हैं। तो ये डेटा आप लोग क्या करिएगा मेंशन कर दीजिएगा अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। पूछ सकता है इस योजना के अंतर्गत एक गांव की आबादी 5000 और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2000 से अधिक होनी चाहिए इसकी आबादी। इसके अलावा प्रत्येक जिले के सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले विजेता गांव को 1 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी एज ए पुरस्कार के रूप में। ये पॉइंट भी आपको क्या करने हैं याद रख लेने हैं ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में लगातार दूसरी बार A+ रेटिंग किसे प्रदान किया गया है तो वो प्रदान किया गया है शक्तिकांत दास को जो कि क्या है RBI के वर्तमान गवर्नर भी हैं। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए भाई साहब क्या हो जाता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में लगातार दूसरी बार A+ रेटिंग शक्तिकांत दास को क्या किया गया है प्रदान किया गया है। इसके अलावा कुछ एक फैक्ट हम लोग और देखते हैं। तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन की ओर से सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में
दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर को काम के आधार पर ग्रेड दी जाती है, यानी कि जितने भी जो बैंक है इंटरनेशनल लेवल पर उनके जो अध्यक्ष होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, उनको उनके कार्यों के आधार पर उनको रेटिंग प्रदान की जाती है। और इस क्षेत्र में दरअसल शक्तिकांत दास का जो उल्लेखनीय योगदान है, महंगाई को कंट्रोल करने से लेकर के जो भी मौद्रिक नीतियां वगैरह बनाई जाती हैं उनमें जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए इनको लगातार दूसरी बार क्या किया गया है, A+ श्रेणी जो है प्रदान की गई है। ठीक है, इसमें ग्रेड महंगाई पर नियंत्रण, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने, मुद्रा की स्थिरता और ब्याज दरों के मैनेजमेंट के आधार पर इस श्रेणी को दिया जाता है, रेटिंग दी जाती है। तो ये सब इन सब बातों पर क्या किया गया था, शक्तिकांत दास की तरफ से कंट्रोल किया गया था। ठीक, क्या देखिएगा, चलिए शक्तिकांत दास क्या है, RBI के गवर्नर है। और अगर हम थोड़ा बहुत पॉइंट RBI के बारे में बात करते हैं तो RBI क्या है, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं या भारत का केंद्रीय बैंक है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1935 के तहत की गई थी। इसके अलावा भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश सर्वप्रथम 1926 में हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा की गई थी। ठीक, यह भी याद रखिएगा। इसके अलावा RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को, यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कहां पर था, कोलकाता में था, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रथम RBI गवर्नर की बात करते हैं तो वो कौन थे, वो थे आपके सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल गवर्नर कौन थे, CD देशमुख थे, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में 1 रुपए के नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं और 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और इसके अलावा 1 रुपए से ऊपर की जो करेंसी होती है वो कौन पब्लिश करती है, वो करता है RBI, यानी कि 1 रुपए से ऊपर के नोट एवं सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के द्वारा जारी किए जाते हैं। और जिसके ऊपर भारत के जो RBI यानी कि जो RBI जो गवर्नर होते हैं उनके क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। यह पॉइंट आपको क्या करना है, याद रख लेना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार भारत का निजी कॉर्पोरेट निवेश वर्ष 2024-25 में 54% से बढ़कर कितना हो गया है, तो ये हो गया बेसिकली वर्तमान में 57% बढ़के हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार भारत का निजी कॉर्पोरेट निवेश 2024-25 में 54% से बढ़कर कितना हो गया है, 57% हो गया। यह डेटा आपको क्या करना है, याद रख लेना है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत का जो निजी कॉर्पोरेट निवेश है वर्ष 2024-25 में 54% से बढ़कर 2,45,212 करोड़ रुपए होने का अनुमान व्यक्त किया गया। यह डेटा नंबर्स में दे दिया है उन्होंने। इसके अलावा जो पिछले वर्ष कितना था, 1,59,221 करोड़ रुपए था, जो कि अभी क्या हुआ है, बढ़ गया है, जो कि डेटा यहां पर ऑलरेडी दिया गया है आपके सामने। ठीक, इसको याद रखिएगा, मेन ये डाटा है आपका। ठीक है, 57%। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 2 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ टैक्स सम्मेलन का आयोजन दरअसल कहां पर किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है दरअसल आपका कहां पर, नई दिल्ली में। और ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपके लिए क्या हो जाता है, हो जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत यूरोपीय संघ की जो बैठक हो रही है उसमें और कई अन्य देश भी सम्मिलित हो रहे हैं, और आतंकवाद और आतंकवाद का जो इसमें डिजिटलाइजेशन हो रहा है, यानी कि डिजिटल फॉर्म में जो है इस समय टेररिज्म फैल रहा है, लोगों को बरगलाने का प्रयास किया रहा है, लोगों के माइंडसेट को चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर दरअसल चर्चा हो रही है। आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ पॉइंट्स आपको समझना है। तो 2 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ ट्रैक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यूरोपीय संघ ने ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल और विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑनलाइन आतंकवादी सामग्री से निपटने के बारे में 2 दिन के यूरोपीय संघ भारत ट्रैक सम्मेलन का आयोजन किया। यानी कि जिस तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से लोगों के माइंडसेट को चेंज किया जा रहा है, वहां पर अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जिसको पढ़ करके लोगों की मनस्थिति क्या होती है, चेंज हो जाती है, अपने धर्म के प्रति लोग क्या होते हैं, कट्टर हो जाते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में क्या होते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। तो जो डिजिटल फॉर्म जो दिखाई दे रहा है टेररिज्म का, उस पर कंट्रोल करने की बात दरअसल इस बैठक में की गई है। इसके अलावा इस क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल क्षेत्र में हिंसक उग्रवाद द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना भी है। ये सारे के सारे फैक्ट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। इसके अलावा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अगस्त 2024 में किन दो देशों की यात्रा की गई? तो वो दो देश जो हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर हैं, और यूक्रेन की यात्रा पहली बार कोई पीएम है भारत का जो यात्रा कर रहा है, और करीब 45 सालों के बाद कोई भारतीय पीएम है जो पोलैंड की यात्रा कर रहा है। इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके चलिए, तो प्रधानमंत्री मोदी अगस्त माह में पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर हैं। यूक्रेन का जो यात्रा है वो पहली बार कोई पीएम कर रहा है, और पोलैंड की 45 ईयर्स के अप्रॉक्स जो है कोई यात्रा कर रहा है पीएम, इंडियन पीएम। ठीक, अब बात करते हैं पोलैंड के पीएम की। तो पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, डोनाल्ड टस्क है, और राष्ट्रपति कौन है, आंद्रेज डूडा है। ये आपको फैक्ट क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा पोलैंड और भारत अपने राजनयिक संबंधों के क्या है, 70 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की है, यह भी आपको याद रखना है। यह पहली बार होगा जब भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर जो है गया हुआ है, और आपको पता है कि समय यूक्रेन क्या है, यूक्रेन में इस तरह की चीजें जो है वहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है, और यूक्रेन में शांति बहाली के लिए दरअसल भारत जो है यूक्रेन और साथ ही साथ में कई अन्य देश भारत को इस नजर से देखते हैं कि अगर भारत चाहेगा तो ये जो युद्ध की स्थिति बनी है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में वैक्सीन जनित पोलियो वायरस का मामला देखा गया है? तो वो देखा गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि मेघालय में। दरअसल क्या हुआ है, एक नया पोलियो का मामला आया है, जो कि जो पोलियो वायरस है वो क्या है, म्यूटेटेड है, अर्थात जो उत्परिवर्तन के फलस्वरूप जो है उत्पन्न हुआ है। जैसे कि कोरोना वायरस के जो नए नए वेरिएंट आ रहे थे, ठीक उसी प्रकार से पोलियो वायरस जो है एक बार दोबारा से मेघालय में देखा गया है म्यूटेटेड फॉर्म में, म्यूटेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, और प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में मेघालय में वैक्सीन जनित पोलियो वायरस के संक्रमण का मामला सामने आया है। यह वायरस ओरल पोलियो वैक्सीन में मौजूद स्ट्रेन से क्या करता है, उत्परिवर्तित वायरस है। ठीक, इसके अलावा वर्ष 2014 में आपको पता होगा, ठीक है, वर्ष 2014 में WHO के द्वारा, इसको WHO कह लीजिएगा, WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया था। ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पोलियो को दरअसल, यानी कि पोलियो मुक्त भारत जो है कब किया गया, तो वर्ष 2014 में किया गया था। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। और प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कहां पर है, कटक में, बरेली में, पटना में या लखनऊ में? कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, और कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको घर पे प्रैक्टिस करनी होती है, मुख्य परीक्षा का प्रश्न क्या है कि गरीबी क्या है, पॉवर्टी क्या है, और गरीबी से संबंधित जो प्रमुख समितियां हैं उनको आपको बताना है, और ये प्रश्न आपके प्री प्लस मेंस दोनों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको इसको रेडी कर लेना है हर हाल में। ठीक है, ये कुछ हो गई हमारी महत्वपूर्ण चीजें जिसको आपको क्या करना था, रेडी करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग कल सुबह 8 बजे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिएगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।